एक मॉडल इस्तेमाल किया गया था 2020 के विधानसभा के चुनाव में, चिराग मॉडल, और दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था। लेकिन कभी अगर होगा आगे तब बताएंगे कि षड्यंत्र कहां कहां हुआ और कैसे कैसे। अब बताइए, कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड जो है डूबता हुआ जहाज, क्या जानते हैं जनता दल यूनाइटेड के बारे में? क्या जानते हैं समता पार्टी के बारे में? समता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का निर्माण कैसे हुआ है और किन संघर्ष के रास्ते से निर्माण हुआ है, उसका कोई ज्ञान है? एबीसीडी का ज्ञान है उनको? कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं जानते। वो कभी संघर्ष के साथ ही नहीं रहे, वो सत्ता के साथ ही रहे। और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 में मुख्यमंत्री बने तो उनके वो सचिव थे, 2009 के लोकसभा के चुनाव में उनकी इच्छा थी चुनाव लड़ने की लोकसभा की, मुख्यमंत्री ने कहा टिकट नहीं देंगे। 2010 में उनकी इच्छा थी, उन्होंने कहा चले जाइए, अगर इच्छा है तो राज्यसभा चले जाइए। उसके बाद पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव संगठन का दिया उन्होंने, राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद इस्तीफा देकर उन्होंने बनाया। वो जो बार बार कहते हैं कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने उनको खुद इस्तीफा देके उनको बनाया। इस पार्टी के मालिक एक है और उसका नाम है श्री नीतीश कुमार जी। आज हमको उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी है। तो हम बने नहीं हैं, हमको भी उन्होंने बनाया है, केयर टेकर है। अब केयर टेकर अगर समझने लगे कि हम ही मालिक हो गए पार्टी के, ऐसा कहीं होता है केयर टेकर मालिक हो जाता है? लेकिन अब वो भी बोल रहे हैं कि डूबता हुआ जहाज है। हम उनको बता देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जनता दल यूनाइटेड डूबता हुआ जहाज नहीं, दौड़ता हुआ जहाज है, और आने वाले समय में यह पता चल जाए। हाँ, एक बात जरूर कि कुछ लोग उस जहाज में छेद करके उसमें पानी घुसाना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी के हम पार्टी, पूरी पार्टी नीतीश कुमार जी का आभारी है कि उन्होंने ऐसे षड्यंत्र करने वाले लोगों को पहचान लिया और जहाज मरम्मत करके एकदम ठीक कर दिया, वो जहाज दौड़े। लेकिन जहाज में जब पानी घुसता है तो कौन भागता है? सबसे पहले कौन भागता है? ये भागता है कि जो सत्ता के साथी हैं, जो संघर्ष के साथी नहीं है, सत्ता अगर उनके हाथ से चला गया तो स्वाभाविक है उनकी बौखलाहट, तो सत्ता जाने के कारण बौखलाहट है। और नीतीश कुमार जी ने षड्यंत्र को पहचान लिया। हमने पहले भी कहा कि नीतीश कुमार जी की संख्या जो 43 पर आ गई वो जनाधार में कमी के कारण नहीं आई। नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई, और उस साजिश का परिणाम है 43 पर पहुंचना। और उस षड्यंत्र के प्रति अब हम सब लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सतर्क हैं, कोई षड्यंत्र यहां चलने वाला नहीं है। एक मॉडल इस्तेमाल किया गया था 2020 के विधानसभा के चुनाव में, चिराग मॉडल, और दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था। लेकिन कभी अगर होगा आगे तब बताएंगे कि षड्यंत्र कहां कहां हुआ और कैसे कैसे। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।